कोतवाली पुलिस की हिरासत में खड़े ये दो शख्स हैं नकली पुलिस वाले, जो न सिर्फ अपने आप को पुलिस वाला बताकर लोगों को डराते थे बल्कि गाड़ी में पीली बत्ती लगाकर रौब भी छाड़ते थे। लेकिन इनकी एक करतूत भारी पड़ गई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब ये लोग आए मेरे को, इन्होंने वहाँ पकड़ा, वहाँ पे मारा मेरे को, उठा के ना गाड़ी में डाल दिया। क्या बोल रहे थे ये लोग? सर तू देवास का गुंडा है नहीं, बदमाश है नहीं, हम किराए के लोग हैं। अच्छा, तो लगा देंगे, थोड़ा रख देंगे, गांजा रख देंगे, कट्टा रख देंगे, पहचानता हमको, हम इंदौर पुलिस है। और साहब मेरे को रस्ते में उन्होंने गुंडे की मारी, यहाँ पे आग क्या लगी गुंडे की। भैया थाने पे आ जाए सर जी, और उसी समय ये गाड़ी यहाँ आई और सत्कार इसको जो है धुआं झटकी करके नहीं रही है, मारा पीटी करते करते ला रहे थे। मैंने कहा भैया थाने पे देखा मैंने, तो भी कहीं आउटसाइडर आदमी कौन है, हाथ में बंदूक लिए तो जैसे ही यहाँ लाया तुमने बचाने के लिए अंदर इसको थान में, जैसे इसने घुसड़ा और लात घुसे थे इसके साथ वार करने लग गई। तो मैंने कहा भाई काई के लिए मारा पीटी कर रहे हो तो थाने के अंदर, थाने के अंदर। देखते हुए उसने मेरे को धक्का दिया और मेरे साथ भी पेट में एक दो बॉक्सिंग मेरे मार दिए उसने। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश मुन्ना शेख नाम के शख्स के साथ मकान खाली कराने के लिए मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पहले दो इन्होंने खुद को पुलिस वाला बताया, लेकिन जब सख्ती से मालूमात की गई तो हकीकत सामने आ गई। एक आरोपी की पहचान रईस कुरैशी के तौर पर हुई है, जो 15वीं बटालियन एसएफ पुलिस का बर्खास्त जवान है, जबकि असलमुद्दीन मुन्ना शेख का जमाई है। और दोनों आरोपी किराएदार को धमकाकर मकान खाली कराने की नीयत से आए थे। इनके पास से पुलिस ने पीली बत्ती लगी कार और बंदूक भी बरामद की है। इसके ऊपर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, धारा 365, धारा 170, 452 और 2527 आम से। इस बात की तस्दीक की जाएगी कि वो किस पद पर है और है भी कि नहीं है। पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दिनों तक ये पीली बत्ती लगाकर शहर में रौब झाड़ते रहे और किसी को कानोकान खबर तक कैसे नहीं हुई। अमिताभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़, देवास।